तो आप सभी को यहाँ पे केपीजे स्टार की तरफ से जय हिंद। तो आज की बात करने पर यहाँ पे अग्निवीर आर्मी फाइनल रिजल्ट 2023 के बारे में, यानी कि आपके रिजल्ट और कटअप के बारे में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे कब जारी किया जाएगा और जो आपका कटअप है वो यहाँ पे क्या रहेगा। तो आप सभी अपने जो एआरओ का नाम है हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं कि आपका कौन सा एआरओ है। तो फिलहाल मैं कुछ एआरओ का जो आपको कटअप है वो यहाँ पे बताऊंगा। जो कटअप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इससे 2-4 नंबर ऊपर या नीचे आपका जो कटअप है वो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। सबसे पहले मैं भी यहाँ पे बात करूंगा एआरओ श्रीनगर की। तो मेरा जो एस्टीमेट है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसके तहत मैं आपको बता दूं कि एआरओ श्रीनगर का जो आपका कटअप है 152 से लेके 165 के बीच रहेगा, ठीक है। 152 से लेके 165 के बीच यहाँ पे रहेगा। आप सबकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि आपका जो एआरओ का कटअप है वो यहाँ पे कितना रहेगा? आप सभी अपनी जो राय है वो यहाँ पे हमें वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हैं कमेंट करके। अब यहाँ पे बात कर लूं एआरओ कोटा की, तो एआरओ कोटा का जो कटअप है 155 से लेके 170 के बीच रहेगा, यानी कि 155 से लेके 170 के बीच यहां पे रहेगा। यहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो बाकी आप अपनी जो राय है हमें दे सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके। एआरओ अल्मोरा की बात करूं तो एआरओ अल्मोरा का 154 से लेके 165 के बीच रहेगा, यानी कि 154 से लेके 165 के बीच रहेगा। एआरओ जोधपुर की बात करूं 154 से लेके 166 के बीच रहेगा, यानी कि 154 से लेके 166 के बीच आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे रहेगा। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इतना हमारा कट ऑफ रह सकता है एआरओ का, तो आप सभी भी अपनी जो राय है हमें दे सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके। एआरओ पालमपुर की बात करूं 152 से ले 152 आपको बता दूं 152 से लेके 164 के बीच जो आपका कट ऑफ है वो यहाँ पे रहेगा, यानी कि 152 से 164 के बीच जो आपका कट ऑफ है वो यहाँ पे रहेगा। अब बात कर लूँ एआरओ हासिर की, तो एआरओ हासिर का 154 से लेके 165 के बीच, यानी कि 154 से लेके 165 के बीच आपका कट ऑफ रहेगा। एआरओ अलवर का यहाँ पे 155 से लेके 166 के बीच रहेगा, यानी कि 155 से लेके 166 के बीच रहेगा। एआरओ मुजफ्फरनगर का मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 155 से लेके 170 के बीच रहेगा, यानी कि 155 से लेके 170 के बीच रहेगा। एआरओ नागपुर का यहाँ पे 154 से लेके 166 के बीच रहेगा। एआरओ औरंगाबाद का यहाँ पे 155 से लेके 168 के बीच जो आपका कट ऑफ है वो यहाँ पे रहेगा। अगर किसी एआरओ का यहाँ पे कट ऑफ छूट गया है तो आप सभी अपने जो एआरओ का नाम है हमें यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा कमेंट में रिप्लाई करके कि आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे कितना रहेगा। बाकी ये जो मैंने कट ऑफ आपको बताया है, आपका क्या एस्टिमेट है, आपकी क्या राय है, आप भी हमें यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। तो आप सबको बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है अगस्त के फर्स्ट वीक में आने के पूरे चांसेस हैं, और जैसे आपका रिजल्ट आएगा, किसी भी एआरओ का रिजल्ट यहां पे जारी होगा, तो आपको सीधा हमारे इसी चैनल पे जो वीडियो है वो यहां पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप भी यहां पे आर्मी भर्तियों से जुड़ी बिल्कुल सही जानकारी पाना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे कब आएगा, तो मैं आपको पूरे एआरओ की यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप यहाँ पे सबसे पहले जानकारी पाना चाहते हैं रिजल्ट के बारे में, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।